Sir. बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, जिसको फौज के अंदर बॉम्बे सैपर्स के तरह जाना जाता है, वो इस समय अपना 200वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इनका इतिहास 1820 से शुरू होता है और करकी के अंदर, जहाँ पर कि इनका हेडक्वार्टर है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर का, वहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जो कि 29 जनवरी से लेकर के और 1 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर हमारी कोशिश ये रही है कि जो हमारी वीर नारियाँ हैं, जिनके पतियों ने या जिनके रिश्तेदारों ने बॉम्बे सेक्टर के अंदर अपना जीवन दान दिया, देश के लिए न्योछावर हुए, उनको हम सम्मान करें, उनसे हम बातचीत करें। इस श्रृंखला के अंदर हमारे समस्त हैं आज श्रीमती नायब सूबेदार गुरनाम सिंह जी की पत्नी। 1973 की बात है जब नायब सूबेदार गुरनाम सिंह एक डेमोंस्ट्रेशन के अंदर कार्यरत थे, तो एक चार्ज लाइन माइंड क्लियरिंग, एक माइंड फील्ड के अंदर रास्ता बनाने के लगे, उस समय एक तरीका था, वो बस्ट हो गया और उसके बस्ट होने से समय से पहले बस्ट हो गया, तो उसके अंदर बहुत ही खतरा था क्योंकि आसपास बहुत लोग खड़े हुए थे, उनके साथी जवान थे और बहुत से अफसर थे जो कि स्टाफ कॉलेज का अध्ययन कर रहे थे, वो वहाँ आ सके उस प्रदर्शन को देख रहे थे। मुझे वो बात अभी भी याद है क्योंकि मैं वहीं पर रहता था, कॉलेज मिलिट्री इंजीनियर के अंदर, और बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के बाद में मालूम पड़ा कि हमारे वीर सुखदा गुरबान सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत दुख है अभी भी और वो बात मैं अभी भी नहीं भूलता हूँ। अगर वो अपना बलिदान नहीं करते तो काफ़ी जवान उससे मारे जाते और काफ़ी अफसर जो बाद में बहुत वरिष्ठ अफसर बने, उनका भी शायद अंत समा जाता। उनके इस नौछावर के लिए और उनके इस बलिदान के लिए हमारे देश ने उनको शांति समय के अंदर जो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है वो प्रदान किया, अशोक चक्र। ये सब ठीक है, लेकिन वो जो दुख आपको हुआ वो मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आज तक आप उसको भूल नहीं सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को उसके बाद में किस तरह बड़ा किया, किस तरह उनका पालन पोषण किया। किसी ने मेरे को साथ में दिया, आते हैं मेहमान हैं, बाप ने, बहन है, भरा है, देवर ने, बेड़ी, जो फिर उनको पिंछा लगी उसे मैं उनको खाया पढ़ाया, मुझे याद है जब आपको अशोक चक्र मिला था राजपथ के ऊपर, भारत के राष्ट्रपति ने आपको अशोक चक्र दिया था। जी। हम सब बॉम्बे सैपर्स के साथ, बड़ा सा बच्चों से उस टाइम पढ़ता है,
साथ में गया दिल्ली जब जी 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 और इनके दादाजी आए इसलिए वो साथ गए और चाचा है वो मिलिट्री में जी जी जानते हैं ग्राम सेंस उनका नाम जी जी ये आपने कहा कि देखिए आपके जो भाई बंधु थे जो रिश्तेदार थे उन्होंने कोई मदद नहीं करी तो फिर आप कहाँ गए फिर आप कहाँ आई जब ऐसा नहीं ऐसे ही बस भगवान को जो बोल थोड़ा बहुत ऐसे ही उसे गुजारा करते रहे फिर ये बड़े होते गए फिर ऐसे ऐसे टाइम पता नहीं फिर आप पिंड में रहे कहाँ रहे नहीं फिर पिंड में गए पिंड वाले भी बहुत पिंड में घर से इनके डैडी के नाम से चाचों के सब कुछ तो कुछ मदद नहीं सिखाते बहुत काम करते फिर मैं इधर गुना में आ गया तो मैं आपसे जानना चाहूँगा श्रीमती गुरनाम कौर कि जब आप यहाँ पर आ गए पूना के अंदर तो जो बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप है जिसके वो सरदार साहब थे वहाँ से आपको मदद मिलती रही हाँ जी मिलती रही है मैं फिर देखते रहे सब कुछ जी इसलिए फिर एक वेदर लेके आ गए थे घर भी आ रहे जी मंदिर स्कूल नहीं आता जी 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 उधर उसके सामने जैसे अच्छा उधर फिर घर भी आ फिर ऐसे ही दादाजी आए ग्रुप हेडक्वार्टर में गए वो बोलते मेरे को भी कुछ मदद करो अच्छा और उनका चाचा था वो लेके आया वो नीचे रहा फिर हमारे ससुरे को ऊपर भेजा तो उन्होंने क्या मैं बताऊँ वो बोलते तो मदद आप लोगों ने करनी है कि हमने करनी जो होगा वो तो जब तक ही रहेंगे तब तक हम करते ही रहेंगे कैसे बोलते हो उसी ऐसे तुम्हारा भी हाथ क्या है बहुत खुशी की बात है कि बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप ने आपकी मदद की सब कुछ आपने कराया ये फौज जो है इस फौज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब भी कोई वीरगति को प्राप्त होता है तो हमारी जो फौज के पीछे रहने वाले हैं वो उनकी बहुत मदद करते हैं इसीलिए हमारे जो जवान हैं वो अपना जीवन दान दे देते हैं देश के लिए श्रीमती से मेरी एक तरह खड़ी है बच्चों को सुधाराना सब कुछ गवर्नमेंट करेगी आपके लिए आपको किसी चीज़ का नहीं लगाएंगे करेंगे ऐसे ऐसे बता सब और उम्र के हिसाब से कोई बात जा जाती है कोई नहीं आती कर क्या उम्र में नहीं बहुत होती है ना लेकिन जो कहते थे हाँ जी क्या वो बातें पूरी हुई फौज ने हाँ जी वही सब कुछ बहुत खुशी है उनको सुन के अच्छा लग रहा है श्रीमती कौर देखिए सुबेदार साहब को वापस नहीं रहा रिश्ता उनकी यादें देखिए अभी भी हैं और सब जगह उनका सम्मान है और बॉम्बे सफ़र पर तो बहुत है क्योंकि वो बॉम्बे सफ़र के थे और आप कोई लेख देख लीजिए बॉम्बे सफ़र का तो उनका नाम सबसे ऊपर आता है कोई प्रतिभा देख लीजिए ऊपर आता है और मुझे मालूम है आज सुबह में बात हो रही थी कल कमांडेंट साहब जो कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट साहब हैं वो कह रहे थे कि हमने जो जहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वहाँ पर सुबेदार साहब की उन्होंने एक स्टैचू लगवाई है तो इससे बढ़िया और आदर क्या मिल सकता है ये तो बहुत गर्व की बात है आपको बहुत बहुत सीएम के अंदर जितने हाँ जी बता रहे थे मेरे को सुबह आज मेरे उनसे मेरी बात हो रही थी वो बोल रहे थे कि हमने उनको किया है तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कितना सम्मान मिला आपको कष्ट जरूर हुआ वो कष्ट होता है उधर वो पहले लेके गए उनकी फोटो ही फिर वो मंदिर है जाओ उधर मेरे को भी उधर मथा टेका फिर वो प्रोग्राम चलते रहे फिर वो गाड़ियाँ मीडिया ले गए सब कुछ फिर जब सुनाते रहे उन्होंने मेरे को बहुत सारे शौक दिया तो देखिए हमारा बात के रखा मेरे को बहुत खुशी हुई मिल करके आपसे और मैं आपसे खुशी सब कुछ आपने इनको बोला तो सब बच्चों नहीं तो ईश्वर की है उनकी मर्जी है आप नहीं सारा देते तो फिर किधर से होना है सब कुछ आपकी दया से मेरे को इसे माँ ने बाप ने भाई ने देवर ने जेठ ने किसी ने सब कुछ आपने करा है अभी हम सब बच्चे बड़े हो गए हैं पढ़ गए लिख गए नौकरियाँ अभी उनको दुख
मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूँगा कि देखिए आप एक वीर नारी हैं, आपने अपने सामने एक जवान पति को खोया है जिनका बहुत जीवन हो सकता था, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो आप जो हमारी बॉम्बे सैपर की नई फसल है उसके बारे में उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उसी की संदेश दोगे जो थे नए जवान आ गए सड़े उन दिवस से? उनको यही अच्छी बहन है कि अपने औरतों को अच्छे से ऐसे बोलना करना समझाना ऐसे बड़े शेर बन के रहना करके मेरे को तो उस दिन पता भी नहीं थी, मैं तो हॉस्पिटल में खड़ती हुई एडमिट सी, मेरा ऑपरेशन हुआ झगड़ा करके जिस दिन मेरे को लेने के गए तो दूसरिया औरतें और कहते चलो मैं कि मैं भी जाना साहब आएंगे तो लेके जाएंगे, मेरे को गुस्सा करेंगे कि मेरे बात टूटी गया तो तू उनके साथ क्यों आई। तो उस टाइम पे सब कुछ हो चुका ऐसे कर करके उन्होंने सुधारा कि ऐसे बच्चे छोटे हैं ऐसे हैं इसको भी ऐसे तकलीफ में कुछ हो जाएगा तो उनका कौन रह जाएगा। मैं आपको बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और एविएशन डिफेंस यूनिवर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला ऐसी अवस्था के अंदर आकर के हमसे बातचीत की। सब कुछ जी आपने करा, टाइम है समय निकाला मेरे को, जो कुछ करा सब कुछ आपने करा मेरे को, भी किसी रिश्तेदार ने मेरे बहन ने भाई ने देवर ने जेठ ने किसी कुछ नहीं करा कोई करा। देखिए ये तो रिवाज है फौज का कि अपनी वीर नारियों को बहुत देखभाल करते हैं, ये मेरी बड़ी खुशी हुई है कि आपकी कहानी वही है। मेरे बाबू जब लेने गए हॉस्पिटल छुट्टे तो बोलते मेरे बोलते मैंने आपके साथ जाना और तब यही आदमी हुई जैसी मेरे को गुस्सा करेंगे, बोले कि तुम उनके साथ घर में आ गई इसी में ही रहते हैं ना उसका मैं नहीं जाना, बोलते नहीं वो बोल के गए यार ड्यूटी उनकी लगी है बाहर गई यार तो इसलिए हम आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, सब कुछ आपने कराया। नहीं नहीं ईश्वर की मर्जी, रब की मर्जी, ये बच्चा सबसे बड़ा है जी। हाँ अच्छा लगा मैंने इससे छोटे और दो लड़के हैं जी जी, लड़कियाँ ने चार सात बहन भाई, बहुत हिम्मत वाले हैं आप। अभी सब कोई उन्हीं के चाचे का है सब, कैसे इसने उधर गवर्नमेंट के घर में रह के इनको पाल लिया पोस लिया इनको पढ़ा लिया इनकी शादियाँ करके फिर भी उधर ही रह गई कर सब उधर का घर बार जो ऐसे ना सब कुछ पर उनको छोड़ के आ गए ऐसे अपने कपड़ों से उठ के फिर वापस घूमे ना। थोड़ा बहुत मेरे पास सोना बना ही हो गया कुछ मिल जा रहा था करते करते अगर आप आपका पाँव पीछे भगवान ने सब कुछ करना चाह समझ कर सब बुजुर्ग नहीं करते सब बहुत अच्छी अच्छी धन्यवाद घर में सब अफसर।